श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री श्री सतीश जी महाना और हमारे सम्मानित उद्योगपति जो यहाँ मौजूद हैं, श्री कुमार मंगलम जी बिरला, श्री गौतम अडानी जी, श्री संजीव सूरी जी, श्री सुभाष चंद्रा जी, श्री बी आर शेट्टी जी, जनाब यूसुफ साहब और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि इस मंच के संचालक संचालिका ने आप सबको बताया कि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होने के नाते सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी देवियों एवं सज्जनों का भी हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कदाचित ही ऐसे अवसर आते होंगे जब किसी शहर में भारत के प्रधानमंत्री दो दिन का समय देते होंगे। कल भी प्रधानमंत्री जी इस लखनऊ में मौजूद थे और प्रधानमंत्री जी आए थे लखनऊ में तो खाली हाथ नहीं आए थे, उन्होंने लखनऊ शहर को भी सौगात दी है, उत्तर प्रदेश को भी सौगात दी है और सारे भारत को भी कल उन्होंने सौगात देने का काम किया है। और आज 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि सचमुच उन्होंने करिश्माई काम किया है। अब तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सारे दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए इस दुनिया की धरती पर मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन यदि किसी देश को बनाया है तो हमारे और आपके देश भारत को बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है।